स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित जंगड़ा एंड आई एम वर्किंग एज ए पी जी टी ज्योग्राफी इन सूरज ग्रुप ऑफ स्कूल्स। एंड टूडे वी डिस्कस अबाउट द यूनिट थर्ड, चैप्टर थर्ड, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉयल। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर बेसिक जो उसका है, या उसका मैं ये कहूँ आपसे कि सारा जो सब कुछ है, ठीक है, वो है आपका क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉयल। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्लाइमेट, वेजिटेशन और सॉयल की बात करेंगे। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, आपका जो है उसके साथ वेदर क्या होता है, वेजिटेशन किस तरह से क्लाइमेट वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, या किस तरह से वेजिटेशन को देख के हम किसी जगह के पर्टिकुलर क्लाइमेट का पता लगा लेते हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र इसके अंदर हम बार बार करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, और पता लगाएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें जो है वो डील्स करती हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर है, दिस यूनिट आर डील्स विद, देखिए इस यूनिट के अंदर आप पढ़ने वाले क्या क्या उन चीज़ों की हम बात करते हैं। सबसे पहला है आपका वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, ये वेदर और क्लाइमेट क्या है, ये आगे चल के आपका डिफरेंस दे रखा है। इस डिफरेंस के अंदर भी हम देखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, रेनफॉल, इंडियन मानसून, ये दूसरा टॉपिक है। लेकिन स्पेशियल एंड टेम्पोरल, ठीक है, ये देखिए दो टर्म्स हैं आपकी, एक ये है आपके पास स्पेशियल और दूसरा आपके पास है टेम्पोरल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज़ है और टेम्परेचर और ये तो इसके सब क्या हैं, पार्ट है, चाहे प्रेशर हो, चाहे विंड हो, या फिर उसके बाद रेनफॉल हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनका मैंने अभी आपको शो किया है, ठीक है, ये क्या है, ये स्पेशल का मतलब होता है, स्पेशली इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये आपका स्पेशल होता है, ये वाला, इस स्पेशल की अगर आप बात करो तो स्पेशल होता है आपका अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू स्पेस ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर कहाँ कहाँ से चीज किस तरह से है, जैसे नॉर्दर्न हिमालय की बात करूँ, साउदर्न हिमालय की बात करूँ, वेस्टर्न हिमालय की बात करूँ, ईस्टर्न हिमालय की, तो वो एक स्पेस है, स्पेशल है, स्पेस अकॉर्डिंग टू स्पेस। और दूसरा है आपका टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, 2 साल बाद क्या था, आज क्या है, अगले 2 साल बाद उसकी पोजिशन क्या हो जाएगी, किस तरह से हो जाएगी, इन सब चीज़ों की बात करेंगे इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेशियल, अकॉर्डिंग टू टाइम, टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है, प्रेशर किस तरह से वेरी करता है, विंड जो है वो किस तरह से फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं, और रेनफॉल जो है उसका उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। ओके गाइज, आफ्टर दैट इंडियन मानसून, ठीक है, इंडियन मानसून है क्या, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, देखिए कोई चीज़ होती है तो वो किस तरह से स्टार्ट होती है, किस तरह से काम करती है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है और कितने टाइम के लिए वो काम करेगी। ठीक है, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट नेचर के अंदर हर चीज़ एक साइकिल के अंदर काम करती है। ठीक है, अगर बारिश हो रही है, आज यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से वेपोराइजेशन भी हुआ होगा, वो क्लाइमेट वो क्लाउड भी में भी कन्वर्ट हुआ होगा, उसके बाद वो क्लाउड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू द मूवमेंट ऑफ एयर वो कहीं पे पहुँचे भी होंगे और वहाँ पे रेनफॉल हो रही है, क्योंकि एक साथ पूरे इंडिया के अंदर बारिश नहीं होती, एक साथ पूरी दुनिया के अंदर बारिश नहीं होती। ठीक है, पर्टिकुलर किसी जगह पे बारिश होती है, किसी जगह पे बारिश नहीं होती, यानी किसी जगह पे वेपोराइजेशन हो के जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो वहाँ पे रेनफॉल करते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऑनसेट एंड वेरिएबिलिटी, ठीक है, मूवमेंट, ऑनसेट एंड वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होती, और कहीं पे मॉडरेट सिचुएशन होती है कि थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ी बहुत नहीं होती। उसके बाद है स्पेशल एंड टेम्पोरल, मानसून भी जो है वो स्पेशल एंड टेम्पोरल है। ठीक है, आप इंडिया की अगर देखोगे तो कोस्टल रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, उस टाइम अगर मैं मुंबई की सिचुएशन देखूं तो अब ये रेनी सीज़न चल रहा है, अगस्त है और रेनी सीज़न चल रहा है, और मुंबई की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे बारिश हो रही है, और उस ज़बरदस्त बारिश की वजह से पानी ही पानी है वहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप हरियाणा की बात करोगे, आप राजस्थान की बात करोगे, यहाँ पे बारिश नहीं है। टेम्पोरल की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर या सॉरी अकॉर्डिंग टू टाइम अगर मैं देखूँ तो कोस्टल रीजन के अंदर तो कभी भी बारिश हो जाती है हल्की फुल्की। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो आपका एक ऐसा स्टेट है जो रिवर्स मानसून के थ्रू आपका गेन करता है आपके रेनफॉल को। तो टेम्पोरल स्पेशल दोनों तरह से ये क्या है, चेंज है। उसके बाद है क्लाइमेटिक, उसके बाद क्या है क्लाइमेटिक टाइप्स, और आफ्टर दैट नेचुरल वेजिटेशन,
नेचुरल वेजिटेशन की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर आपके फॉरेस्ट हैं, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉरेस्ट क्या है और फॉरेस्ट की जो टाइप है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, एवरग्रीन कहाँ पे हैं, अदर जो वेजिटेशन है आपकी वो कहाँ पे मिलती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, सॉयल की अगर बात करो आप तो मेजर टाइप एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी टाइप्स की सॉयल जो है वो आपको मिलती हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है। सॉयल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि सॉयल की जो कमियाँ हैं, सॉयल की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, यानी सॉयल की जो लगातार जो उसका स्टेटस जो है या सॉयल की जो क्वालिटी है वो लगातार गिरती जा रही है, वो किस वजह से हो रही है, क्या रीज़न है, वो सारा हम इसी के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपका है वो है डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए ये वेदर और जब क्लाइमेट की बात करोगे ना तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक ये वेदर है और दूसरा ये है क्लाइमेट। अगर इस वेदर और क्लाइमेट की मैं बात करूँ, एक आम आदमी के लिए इस वेदर और इस क्लाइमेट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। लेकिन अगर आप इनको समझना चाहते हो तो ये अच्छी तरह से आपको पता लगेगा बेटा कि एक वेदर के अंदर और क्लाइमेट के अंदर दिन रात का फ़र्क होता है। पहले भी आप पढ़ के आए हो और अब भी आप पढ़ रहे हो। वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना, ये जो आपका वेदर है ये वाला, ये है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये एक शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म फिनोमिना, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करोगे क्लाइमेट की, ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट है आपका ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, क्या है, लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। अब अगर मैं इस लॉन्ग टर्म फिनोमिना की भी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो वेदर के लिए आपको जो टाइम चाहिए, वेदर के लिए ध्यान रखना, वेदर के लिए जो आपको टाइम चाहिए वो कितना है, 1 मिनट भी हो सकती है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है, ये वेदर के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि धूप निकल रही है, अचानक से बाहर क्लाउड आ जाए तो हम क्या कहेंगे, यार वेदर क्लाउडी हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका किसका, वेदर का, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट देन वी नीड मिनिमम 32 ईयर्स, कितनी साल चाहिए हमें, 32 ईयर्स चाहिए बेटा हमें कम से कम किसी चीज़ को ये डिसाइड करने के लिए, या किसी भी जगह के जो वेदर कंडीशन है उसको डिसाइड करने के लिए हमें कम से कम जो है वो 32 ईयर्स चाहिए। उस ये 32 ईयर्स जब आपको मिलेंगे तो उसके बाद आप किसी जगह को ये डिसाइड कर पाते हो कि ये यहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है। जैसे हम किसी जगह के क्लाइमेट को अगर मानसूनी क्लाइमेट कहते हैं तो वो मानसूनी क्लाइमेट कब होगा, जब लगातार 32 साल तक हम उसकी स्टडी कर लेंगे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस देखो, पहला जो है वो क्या है, वेदर इज़ द मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर, मोमेंट्री स्टेप है, मतलब मैंने बताया था ना कि आपको 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका मोमेंट्री एटमोसफेयर है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करोगे तो वेदर चेंज क्विकली, मे बी विद इन अ डे और ए वीक, ठीक है, ये क्विकली चेंज हो जाता है लगातार, आप देख सकते हो कि 1 घंटे में भी चेंज हो सकता है। अभी क्लाउड थे, अभी बारिश होगी, लगातार थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम धूप निकल रही है और उस धूप के निकलने के बाद जो है आपका क्या होगा, धूप निकलने के बाद उसी तरह का आपको माहौल दिखाई देगा। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट देन वी सी, हम क्या देखते हैं कि क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 32 साल का जो टाइम है उसके दौरान वेदर की कंडीशन किस तरह से रही है, उस वेदर की कंडीशन की जो एवरेज आएगी उस एवरेज को कहा जाता है आपका क्लाइमेट, ठीक है। लगातार एक जैसा अगर किसी जगह के क्लाइमेट को हम कोल्ड क्लाइमेट कहेंगे तो आप देखोगे कि लगातार वहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो डाउन रहेगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है। और लगातार अगर किसी जगह का डाउन है तो आप उसको कोल्ड क्लाइमेट कह सकते हो, लेकिन लगातार अगर किसी जगह की क्लाइमेट अचानक से हॉट रहे, या ये कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ का रहे, और एवरेज जब आप उसकी निकालो तो वो भी ज़्यादा रहे, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती हैं उनको आपको क्या कहा जाता है, आपका हॉट क्लाइमेट। दूसरी तरफ है आपका क्लाइमेट चेंज इम्परसेबिलिटी एंड मे बी नोटेड आफ्टर 50 ईयर्स और इवन मोर, ठीक है, ये दे रखा है आपका 50 ईयर और मोर, बट जो क्लाइमेट कंडीशंस के लिए चाहिए आपको वो सटीक जो है वो है 32 ईयर्स, ठीक है, कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए कम से कम आपको 32 साल का टाइम वहाँ पे चाहिए ही चाहिए, तब आप उसको डिसाइड कर सकते, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मॉनसून क्लाइमेट,
यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मॉनसून क्लाइमेट के अंदर जो यूनिटी है और जो डाइवर्सिटी है वो क्या क्या है। पहले इसकी बात करते हैं कि यूनिटी क्या क्या है मॉनसून की, ठीक है। तो मॉनसून के अंदर यूनिटी क्या है, द मॉनसून रिजिम्स एम्फसाइज द यूनिटी ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिजिम्स। मतलब रिजिम्स का मतलब हमने क्या बताया था कि विद द टाइम टेम्पोरल और विद द स्पेस जो आपका कर्व किस तरह से बनता है वो। तो मॉनसून अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया जितना भी रीजन है और इंडिया इस सब का एक जैसा मॉनसून मिलता है, या यहाँ पे जो मॉनसूनी कंडीशन है वो एक जैसी है। उसके बाद है द व्यू ऑफ ब्रॉड यूनिटी ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड नॉट हाउएवर लीड वन टू इट्स रीजनल वेरिएशन विच डिफ्रेंशिएट द वेदर एंड क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखो द व्यू ऑफ ब्रॉड यूनिटी ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड नॉट हाउएवर लीड वन ऑफ द इग्नोर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इग्नोर नहीं किया गया है। जो यूनिटी है वो सारी एक जैसी है, साउथ ईस्ट एशिया की और इंडिया की, इन सब रीजन की आप बात करोगे तो सारा रीजन आपको एक साथ दिखाई देगा। उसके बाद है आपका द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ आर सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द नॉर्थ एंड येट ऑल ऑफ दीज हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। आप देखोगे कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो केरला और तमिलनाडु दोनों से बहुत ज़्यादा डिफर है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करोगे तो इस रीजन को भी क्लाइमेटिक रीजन कहा जाता है। किसको, तमिलनाडु को और केरला को। क्यों, देखो बिहार और यूपी के अंदर तो हमें पता है कि जो बारिश होती है वो केरला के उसकी मानसून की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु को भी उसी कैटेगरी के अंदर रखना, तो उस कैटेगरी के अंदर उसको क्यों रखा जाता है, उसके लिए उसको इसलिए रखा जाता है बेटा बिकॉज बारिश तो वहाँ पे भी मानसून की वजह से ही होती है। वो अलग बात है कि तमिलनाडु और केरला के अंदर जो बारिश होती है वो रिट्रीट मानसून के अंदर होती है, और ध्यान रखना केरला के अंदर कम होती है। जो बेसिक एक स्टेट है जिसके अंदर रिट्रीट मानसून की बारिश होती है वो सिर्फ तमिलनाडु है। सबसे ज़्यादा जो बारिश गेन करता है, या ऑलमोस्ट मैं अगर ये कह दूँ कि अकेला स्टेट है जो इस तरह की रेनफॉल गेन करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं हो, ठीक है। तो ये है, इसीलिए उनको भी क्या कहा जाता है, आपका मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। उसके बाद है डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट की डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। देखो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ मैनी रीजनल वेरिएशन एक्सप्रेस्ड इन द पैटर्न ऑफ विंड्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, रिदम ऑफ सीजन्स, डिग्री ऑफ वेटनेस और ड्राइनेस। बिल्कुल, ये तो इसकी है ही, डिफरेंसेस हैं ही। अगर आप बात करो विंड की तो आप देखोगे कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, उस वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आप जो विंड की डायरेक्शन देखते हो वो आपको आती है अरेबियन सी से, ठीक है। तो वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो वाटर जो होता है या मॉइस्चर जो होता है वो अरेबियन सी का होता है, वो उसी रीजन से बारिश होती है। तो डायरेक्शन जो है विंड की वो भी उसी डायरेक्शन की होती है। लेकिन अगर आप देखोगे, मैं ये कहूँ आपको कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से विंड आती है वहाँ पे, और अगर आप बे ऑफ बंगाल की बात करोगे तो वहाँ पे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से आपकी क्या आती है, विंड आती है। तो ये विंड का डिफरेंस है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो साउदर्न पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम कन्याकुमारी से बेटा और ऊपर की तरफ चलते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ चले जाएंगे टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आएगा। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं मानसून की, कि वो मानसून उस डायरेक्शन के अंदर चलता क्या। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको एक स्लाइटली चेंज दिखाई देगा। स्लाइटली चेंज क्या होगा, स्लाइटली चेंज ये होगा कि आपका जो हाई प्रेशर जोन है, ठीक है, वो जून मंथ के अंदर डेवलप हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर जब हम यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़े दिन की बात करते हैं, ठीक है, तो उस दिन आपका जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से ITCZ शिफ्ट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ चुका होता है। लो प्रेशर जोन की होने की वजह से आपकी विंड्स जो हैं वो सारी की सारी तरफ चलने लगती हैं, जिसकी वजह से अगर आप कंपैरिजन करोगे टेम्परेचर का तो आप पाओगे कि साउदर्न रीजन के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर मॉडरेट है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न रीजन, ठीक है। उसके बाद है रेनफॉल, रेनफॉल के अंदर तो बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल बारिश नहीं होती, हिमाचल के अंदर थोड़ी बहुत होती है, उत्तराखंड के अंदर थोड़ी बहुत होती है, यूपी के अंदर ज़्यादा होती है, बिहार के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि मोस्टली जो नॉर्दर्न पार्ट है ना इसके अंदर जो रेनफॉल होती है वो क्या किसकी वजह से होती है बेटा, आपके जो बे ऑफ बंगाल से जो आपकी मानसून आती है उसकी वजह से होती है,
तो बे ऑफ बंगाल कितनी बारिश करेगी? जब जहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगी कोस्ट के ऊपर, वहाँ पे तो ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ ये आपकी विंड्स जो है चलती जाएंगी, मूव करती जाएंगी, तो इनके अंदर जो कंटेंट ऑफ मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेनफॉल क्या होगी? कम होगी। उसके बाद है रिदम ऑफ सीज़न, सीज़न की रिदम मतलब हर बार एक जैसा नहीं आता है। डिग्री ऑफ वेटनेस एंड ड्राइनेस और एब्सोल्युटली, ठीक है, जैसे जैसे आपकी मॉनसून आगे बढ़ती जाएंगी उनकी जो वेटनेस है वो क्या हो जाती जाएगी? कम होती जाएगी। और ड्राइनेस की अगर आप बात करो तो जैसे जो विंड्स आपकी राजस्थान के ऊपर से आ रही हैं तो सरफेस के नीचे कोई आपको वाटर सरफेस या जो आपको कहते हैं कि आपको वेजिटेशन है ही नहीं, तो अगर ऐसा होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? मॉइस्चर नहीं गेन कर पाएंगे, और मॉइस्चर अगर गेन नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके अंदर क्या होगा? मॉइस्चर अगर गेन नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके अंदर जो उसकी वेटनेस है वो क्या हो जाएगी बेटा? ख़त्म हो जाएगी या धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम टेम्परेचर वेरिएशन की बात करेंगे। आज इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, जहाँ पे हमने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ मॉनसून की बात की। ओके गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए आप बहुत का बहुत बहुत धन्यवाद।